ये मेदिनीपुर क्षेत्र का धर्मा है, धर्मा क्षेत्र है मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाय हैं, कई सारी गायें हैं यहाँ पर, और वो कूड़ा खा रही हैं। ममता बनर्जी दावा करती हैं कि यहाँ पर हर चीज़ व्यवस्थित है, पश्चिम बंगाल में उन्होंने 10 साल में चीज़ें व्यवस्थित कर दी हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस गंदगी के अंबार को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारा कचरा पड़ा है। हम नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम यहाँ से गुजर रही थी तो हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, सड़क पर मवेशियों के शव पड़े हुए हैं और यहाँ पर गायें किस तरह से कचरा खा रही हैं। इसके अलावा भी हम आपको चीजें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये है पश्चिम बंगाल की स्वच्छता का हाल। पश्चिम बंगाल में 10 साल में व्यवस्थाएं कितनी बदली हैं इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। बात अलग अलग विषयों की हो रही है, अलग अलग मुद्दों की हो रही है। ममता बनर्जी ढेरों दावे गिना रही हैं। कुछ तस्वीरें तो यहां पर इतनी भयावह हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। इस क्षेत्र में बेतहाशा बदबू आ रही है। ये है ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल, जिसको ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है। इस क्षेत्र के विकास का ये हाल है। एक तस्वीर आपने देखी जिसमें गायें कूड़ा कचरा खा रही हैं। एक तस्वीर यह भी है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ी मात्रा में यहां पर कचरा इकट्ठा है, जल रहा है, यहां से लोग गुजर रहे हैं। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से बीमारियां बांटी जा रही हैं। इस पूरे क्षेत्र में कचरे का ढेर लगा हुआ है, कहीं पर भी कूड़े को निस्तारित करने का प्रबंध नहीं दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी के दावे हैं कि यहां सब कुछ अच्छा है। पश्चिम बंगाल में कितना अच्छा है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यहां पर कूड़ा जल रहा है जो कि भयानक आग की शक्ल भी ले सकता है, लेकिन चुनाव है। ममता बनर्जी इस समय पिंगला क्षेत्र में है, वहां पर बता रही हैं कि उन्होंने पटचित्रकारों के लिए क्या किया है। ममता बनर्जी गिना रही हैं अपनी योजनाएं, आधी अधूरी योजनाएं। और आधी अधूरी शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां के स्थानीय लोगों ने ही उसकी हकीकत बताई है, बताया है कि किस तरह से यहां का हाल बदहाल है। ये देखिए किस तरह से कूड़ा जल रहा है। यह है पश्चिम बंगाल का धर्मा क्षेत्र, यहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यह ममता बनर्जी की सरकार में स्वच्छता का प्रबंध है। सड़क के किनारे कचरा, सड़क के किनारे मवेशियों के शव, यह पश्चिम बंगाल की हकीकत दिखा रहे हैं। कुत्ते शवों को नोच रहे हैं सड़क के किनारे, लेकिन ममता बनर्जी के किसी भी अधिकारी को इस चीज का होश नहीं है कि यहां पर क्या चल रहा है। यहां पर गायों के भी शव पड़े हुए हैं जिनसे बेतहाशा बदबू आ रही है। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का चुनाव है, 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई जगह से
कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं, कई जगह हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीर, ममता बनर्जी को इस समय चंडी पाठ याद आ रहा है, दुर्गा पाठ याद आ रहा है। उस बीच गायों की यहां पर हालत देखिए, वो यहां पर ममता बनर्जी बार बार एक शब्द अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रही हैं कि बाहरी गुंडे, जिन लोगों को वो बाहरी गुंडे कह रहे हैं, असल बात यह है कि वो 20-22 साल पहले पश्चिम बंगाल में रोजी रोटी के लिए आए थे। यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, 20-22 वर्षों से रह रहे हैं, वो बताते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें किस तरह से परेशान करते हैं। अभी हम लोग एक केशपुर नाम के जगह पर गए विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि वो कुछ ज्यादा बोलेंगे तो टीएमसी के लोग आकर उन्हें मारेंगे। तो ये हालत है पश्चिम बंगाल की। खैर, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको पश्चिम बंगाल की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाता रहेगा। आप नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के पेज से, वेबसाइट से, यूट्यूब पेज से लगातार जुड़ते जाइए।